So, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोग्लोबिन अकाउंट के बारे में। न्यू अकाउंट भाई कैसे क्रिएट कर सकते हो ये भी हम बताने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अपना भाई पासपोर्ट ले लिया है क्योंकि भाई नियोग्लोबिन अकाउंट में पासपोर्ट जरूरत पड़ता है, पासपोर्ट का भाई जरूरत पड़ेगा। सो इस वीडियो में भाई पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप अपना भाई नियोग्लोबिन अकाउंट दोबारा एक्टिवेट कर सकती हो और अपना न्यू अकाउंट भाई क्रिएट कर सकती हो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई हम चुके अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोगों को इसमें अपना अकाउंट भाई क्रिएट करना है सो सिंपल सा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद अपना नंबर वेरीफाई कर दीजिए। नंबर वेरीफाई करते हो उसके बाद आपका भाई पर्सनल डिटेल वगैरह पूछा जाएगा और अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए बताया जाएगा। सो इजीली आप अपना अकाउंट भाई क्रिएट कर लेना। मैंने नियोग्लोबिन में अपना भाई क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे ले रखा है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रेडिट कार्ड अभी लोड किया जा रहा है और इस साइड में मेरा यहाँ पे नियोग्लोबिन अकाउंट का बैलेंस देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है डीसीबी नियोग्लोबिन डेबिट कार्ड अनलॉक करने के लिए, जिसमें आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा, 1500 रुपए अगर आप भाई यूज करते हो इस कार्ड के थ्रू, राइट। अदरवाइज आप लोगों को भाई केवाईसी का सेक्शन नहीं मिलता है ना, इस साइड में आप लोगों को स्लाइड करना पड़ेगा, कंप्लीट केवाईसी टू गेट 0 forex कार्ड देखने को मिल जाएगा, या अदरवाइज इस साइड में देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कंप्लीट केवाईसी 0 forex कार्ड का सेक्शन मिल रहा है। बट आप लोग कहोगे कि भाई ये दो बार क्यों है, तो एक ये डीसीबी बैंक के थ्रू है और ये इकोटैक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू है। तो मैं भाई इकोटैक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू भाई नहीं करने वाला, मैं करूंगा डीसीबी बैंक से। सो सिंपल सा यहां से आप भाई क्लिक कीजिए, रिज्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज यहां से भी आप भाई क्लिक कर सकते हो। यहां पे क्लिक करते देखिए यहां पे बताया जा रहा है डेबिट कार्ड विथ डीसीबी बैंक देखने को मिल जाएगा, 0 forex मार्कअप एंड 0 TCS अप टू 7 लाख का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जो भाई इंटरनेशनल टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे कार्ड आपका 3 से 5 दिन के अंदर भाई ऑर्डर हो जाएगा, इजिली आप ये अपना रिसीव कर सकती हो। ये कार्ड आपका भाई ब्लू डार्ट सर्विस के थ्रू आता है, प्लस यहाँ पे 150+ कंट्री में ये भाई सपोर्ट करेगा, पार्टनर यहाँ पे डीसीबी बैंक देखने को मिल जाएगा। सो गेट कार्ड पे आप भाई क्लिक कर सकते हो। सो सिंपल सा गेट कार्ड पे हम भाई क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको मैंने बताया कि रिज्यूम एप्लीकेशन पे भी क्लिक करके आप जाके वहां से अपना केवाईसी वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स पे भाई क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट, उसके बाद आधार नंबर फिल कर देना है, यहाँ पे आप लोगों को टर्म्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ई केवाईसी पे क्लिक कर देना है। मैंने अपना यहाँ पे आधार ओटीपी फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दिया। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे फाइनल रिव्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेरा भाई यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, राइट। अगर आपका ये एड्रेस या ये डिटेल भाई ठीक है सो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, अदरवाइज ये गलत है लेट्स नॉट मी पे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, नॉट मी इस पर आप भाई क्लिक कर सकते हो, बट भाई पूरा कंफर्म है, मैं भाई कंफर्म हूँ सो कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए मेरे को भाई मैसेज भी आ चुका है कि आपके आधार कार्ड से ऑथराइज दिया गया है केवाईसी करने के लिए। सो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, लोडिंग हो जाने देते हैं। लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है, जैसे कि मैरिड अनमैरिड ये आप लोगों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मदर के नेम, फादर के नेम ये फिल कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल, जैसे ऑक्यूपेशन टाइप में आप स्टूडेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन पर्सनल हो, या आप यहाँ पे सैलरी बेसिस किसी कंपनी में काम कर रही हो, अदर जो भी आप भाई सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, जो भी आपका एनुअल इनकम है। उसके बाद आपका यहाँ पे कंटिन्यू बटन मिल जाएगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वी नीड टू सम डिटेल, मतलब कुछ यहाँ पे डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मंथली आप लोगों को भाई कितना ट्रांजेक्शन हो जाता है वो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है अप टू 20 या 20 to 50 या अदरवाइज मोर देन 50 के ऊपर। सो अपना देख लेना, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बताया जा रहा है एक्सपेक्ट एनुअल ट्रांजेक्शन आप भाई कितना कर देते हो वो यहाँ पे भाई पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना आपके हिसाब से कितना हो जाता है। अब यहाँ पे आपका नेटवर्थ कितना है वो यहाँ पे पूछ रहा है। सो आपका जो भी नेटवर्थ है वो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे स्लाइड करके आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट योर इनकम सोर्स, आपका इनकम सोर्स भाई क्या है, मतलब कि सैलरी आता है, सेविंग है, या बिजनेस पासपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, या यहाँ पे प्रोफेशनल फी है। सो जो भी आपका इनकम सोर्स रहता है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों भाई कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि व्हाट इज योर एड्रेस, आप भाई किस एड्रेस पे अपना कार्ड चाहते हो। सो मेरा ये एड्रेस भाई आधार कार्ड का है, सो मैं इसी एड्रेस पे चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज आपको दूसरा एड्रेस चाहिए तो मैं अपना भाई दूसरा एड्रेस फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए टर्म्स पे हम भाई क्लिक कर देंगे, ये हमारा टर्म्स यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यस हम कंफर्म कर रहे हैं, इसी एड्रेस पे मेरे को चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म, अदरवाइज आपको दूसरा एड्रेस चाहिए तो दूसरा एड्रेस भी फिल कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है किसको नॉमिनी बनाना है, सो यहाँ पे जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। हम भाई कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ चुका है लास्ट में पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे फाइल नंबर फिल कर देना है, फाइल नंबर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, या अदरवाइज यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है, ऑटोमेटिक फाइल नंबर फेच हो जाएगा। सो चलिए फाइल नंबर यहाँ पे फिल करके वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। मैंने अपना यहाँ पे फाइल नंबर फिल कर दिया, वेरीफाई पे मैंने भाई क्लिक कर दिया। ध्यान रहे जो आपके पासपोर्ट में डिटेल है ना वही आधार कार्ड में होना चाहिए, नहीं अदरवाइज भाई पंगा हो सकता है। सो
फाइल नंबर फिल करती, यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, पासपोर्ट नंबर आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, और एज पर जो भी आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे आ चुका है। कंफर्म पे मैं क्लिक कर दूंगा, बिल्कुल भाई मेरा ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिनल पैन कार्ड के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। सो यस, मेरे पास ओरिजिनल पैन कार्ड है। सो सिंपल सा गो टू वी केवाईसी, उसके बाद यहाँ पे अपना वी केवाईसी हम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग को अपना इजिली जो भी कार्ड है आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा, और आपका ये अकाउंट भाई सक्सेसफुल एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सो चलिए मैं अपना भाई केवाईसी कंप्लीट कर लेता हूँ। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, आर यू रेडी फॉर द वीडियो केवाईसी? यस सर। थैंक यू सो मच, प्लीज कंफर्म योर नेम सर एज पर आधार प्लीज। फिरोज आलम। सॉरी, फिरोज आलम। थैंक यू सो मच सर, प्लीज वेव योर हैंड लाइक दिस। थैंक यू सो मच सर, द लाइफ प्लान ऑफ द कस्टमर आई आस्क वन सिक्योरिटी क्वेश्चन सर। जी। डू यू हैव एनी पेट एनिमल? नो सर। थैंक यू सो मच सर, प्लीज कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ सर एज पर आधार प्लीज। सर सॉरी सर, एक एक नंबर में इंग्लिश में बोलिए प्लीज। ओके, इंग्लिश में बोलिए सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर, ऊपर सेल्फी कैमरा है ना सर, ऊपर सेल्फी कैमरा देखो सर, आपका लाइव फोटो कैप्चर करेगा। थैंक यू सो मच, आप बैक कैमरे पे आपके ओरिजिनल पैन कार्ड दिखे सर, टर्न बैक कैमरा शो मी ओरिजिनल पैन कार्ड प्लीज। आई सर, ओके सर, प्लीज डोंट शेक योर मोबाइल सर, फोन हिलाया मत करो प्लीज। थैंक यू सो मच, नाउ टर्न ऑन योर फ्रंट कैमरा सर। सर और एक बार आपका नाम बोलिए सर। फिरोज आलम। डेट ऑफ बर्थ सर? 100%। इस तरह आप लोग का इजिली अपना BKYC कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपका भाई पैन कार्ड का सेल्फी, और आपका सेल्फी पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं, यहाँ पे और कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम लोग का भाई KYC कंप्लीट हो चुका है। अब गिन के 4 घंटे के अंदर हम लोग का अकाउंट में भाई एक्टिवेशन प्रोसेस जो रहेगा वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, और 5 दिन के अंदर हम लोग का DCB बैंक के थ्रू नियोग्लोबिन का कार्ड जो रहेगा हमारे एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। वेल, इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे। बाकी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपना नियोग्लोबिन अकाउंट ओपन करना चाहते हो, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना कैसे अकाउंट ओपन करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, या आप हमारे इंस्टा पे आ सकती हो या टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकती हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, पेज पे देख रहे पेज को फॉलो कर लेना, चैनल पे देख रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।